अस्सलाम वालेकुम, रबिया हुसैन हेयर फ्रॉम माय मॉन्टेसरी ट्री मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग। आज का हमारा टॉपिक प्री स्कूल टीचर्स और होम स्कूलिंग पेरेंट्स के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है EPL एक्सरसाइज फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ, जो कि मॉन्टेसरी का बहुत इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मारिया मॉन्टेसरी, जो कि मॉन्टेसरी एजुकेशन की इनोवेटर थी, उनका मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने का पर्पस भी यही था कि बच्चों को, यानी टॉडलर्स को, जो 2 से 6 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उनको इंडिपेंडेंट, इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग लर्निंग दी जाए। ना कि वही फॉर्मल टीचिंग मेथड के हम बुक्स खोल के बच्चों के सामने रख दें और बच्चे पढ़ के घर चले जाएँ। इस एक्सरसाइज, यानी इस जो मॉड्यूल है, इसका पर्पस भी यही है कि हम बच्चे को मैक्सिमम इंडिपेंडेंट करें ताकि वो सोसाइटी में उठने बैठने के काबिल हो सके। एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ आर दो सिंपली डेली एक्शंस व्हिच आर नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय एडल्ट्स और टॉडलर्स इन द एनवायरनमेंट। दीज एक्शंस आर रियल एंड आर डन इन रियल सिचुएशन। अब इसका मतलब है कि आपने ये एक्सरसाइजेस बच्चों को, यानी टॉडलर्स को, आपने ज़रूर करवानी है, लेकिन इसके लिए क्राफ्ट्स यूज़ नहीं होते। पेपर क्राफ्ट्स हम यूज़ नहीं करेंगे। इसमें किचन यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, राइट, जिसमें ग्लास, स्पून, ट्रे, जग, बीड्स। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। एरियाज़ ऑफ EPL। फर्स्ट एरिया, एलिमेंट्री मूवमेंट एंड प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़। एलिमेंट्री मीन्स इनिशियल स्टेज, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ बच्चों को दूसरी, यानी अदर एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर करना। मॉन्टेसरी एक्सरसाइजेस फॉर द केयर ऑफ सेल्फ, मॉन्टेसरी एक्सरसाइज फॉर द केयर ऑफ एनवायरनमेंट, मॉन्टेसरी एक्सरसाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, ग्रेस एंड कर्टसी। मीन्स के देयर आर 4 एरियाज ऑफ EPL। ये 4 एरियाज हैं EPL के। आज हम फर्स्ट एरिया को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि आपके क्लासरूम को हमने कैसे डेकोर करना है, कैसा एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करना है, लेसन प्लान आपका कैसा होना चाहिए, आपने मटेरियल कौन सा और किस तरह का यूज़ करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें किचन यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, तो आपके पास सबसे पहले होने चाहिए शेल्व्स, जो बुक शेल्व्स होते हैं, उसी तरह के बुक रैक्स हों जिसमें आपने उसको बहुत अच्छा सा डेकोर करना है। इसमें हमारे किचन यूटेंसिल्स यूज़ होंगे, लेकिन वो प्लास्टिक के हों, कलरफुल हों, लेकिन ईजी टू होल्ड हों, क्योंकि हमने टॉडलर्स को एक्सरसाइजेस करवानी है, राइट, तो उनके, क्योंकि हमने बच्चे को, छोटे बच्चे को ये सब चीज़ें पकड़वानी है, राइट, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर उनके हाथ के साइज़ से बड़े होंगे यूटेंसिल्स, टूल्स, तो वो इजीली होल्ड नहीं कर सकेंगे। तो स्पेसिफिक डिज़ाइंड हों, राइट, और बहुत नीट, क्लीन और कलरफुल हों। उसके अलावा आपने सबसे पहले बच्चे को डेमो देना है। एटलीस्ट 3 टाइम्स आपका डेमो होगा, ठीक है, और उसके बाद आप किसी एक ऐसे स्टूडेंट से वो एक्सरसाइज करवाएंगे जो आपको लगता है कि थोड़ा शार्प माइंडेड है, राइट, क्योंकि जब बच्चे अपने फेलोस को देखते हैं तो ज़्यादा इजीली लर्न करते हैं। और एक बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि कभी भी जो भी कॉन्सेप्ट आप करवाएँ, कोई भी एक्सरसाइज करवाएँ, कभी भी इरेलेवेंट आपने कॉन्वर्जेशन नहीं करना। और बच्चे को साथ साथ आपने ये भी बताना है कि इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। और इसका EPL का बेनिफिट यही है कि बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी फाइन मोटर स्किल्स पे हम काम कर रहे होते हैं, स्मॉल मसल्स यानी फिंगर्स, उन पे हमने ग्रिपिंग पे काम करना होता है, राइट, और बच्चे इंडिपेंडेंटली अपने सारे जो डेली रूटीन के काम हैं वो इजीली कर सकते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट एरिया है, एलिमेंट्री मूवमेंट एंड प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, उसके लिए सबसे पहले फ़ाइन मोटर स्किल्स यानी पोरिंग और ट्रांसफरिंग पे हम काम करते हैं, पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर्स, लंच बॉक्सेस। बच्चा क्लास में है, घर पे है, 2.5 से 3 साल तक का, 4 साल तक का बच्चा, जो टोटली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे और टीचर्स पे। तो इस एक्सरसाइज का यही एक पर्पज़ है कि हमने बच्चे को रूटीन के जो काम है वो करना सिखाने हैं। फिर थ्रेडिंग आ जाता है, कटिंग है, सोइंग है, फोल्डिंग, द साइलेंस गेम। आप ये पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि बच्चे ने ट्रे पकड़ा हुआ है, राइट, इसमें स्पून है, 2 बोल्स हैं,
पर्पज़ ऑफ EPL, प्रैक्टिकल लाइफ इन मॉन्टेसरी इज़ पर्पज़फुल एक्टिविटी। मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे के जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनको हमने स्ट्रॉन्ग करना है, इसका पर्पज़ बच्चों की कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन जो एक्टिविटी पे होनी चाहिए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन मींस के बच्चे की आंख और हाथ किस पे बिजी हैं, अपनी एक्टिविटी की तरफ। और सबसे बड़ी बात कि बच्चा इजी जब ये एक्सरसाइजेस करता है तो उसकी जो रूटीन के काम है लाइफ स्किल्स वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि मारिया मॉन्टेसरी का यही पर्पस था मॉन्टेसरी एजुकेशन को प्रमोट करने का कि बच्चा अपने रूटीन के काम कर सके, जो कि स्पेशली हमारी सोसाइटी में हम बच्चों से नहीं करवाते। क्या हम अपने बच्चों को घरों में छोटे छोटे से जो काम है वो करने देते हैं? कभी भी नहीं। क्या वो अपने कपड़े खुद फोल्ड करते हैं या फिर हमारे साथ टेबल सेट करते हैं? हम उनको ये काम नहीं करवाते। और एट द एंड ये होता है कि जब टीन एज में आता है बच्चा, फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा अभी भी हम पे डिपेंडेंट है, ये अपने रूटीन के काम नहीं कर सकता, या हम बच्चे को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हें खाना डालना नहीं आता, तुम्हें पानी डालना नहीं आता ग्लास में। तो ये सारे चीज़ें जब हम बेसिक्स जो हैं बच्चों को अर्ली ईयर्स में नहीं सिखाते तो एट द एंड डिफ़िकल्टी बच्चे के लिए ही होती है। फर्स्ट पार्ट इज़ का पोरिंग, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है ग्लास, प्लास्टिक का होना चाहिए, शीशे का या ग्लास का कभी भी ना हो, जग एंड ग्लास, मैट, टू ग्लासेस आप ले सकते हैं, अ जग अ ट्रे। आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक छोटा सा यानी स्मॉल साइज ट्रे है और दो इसमें कप्स हैं या ग्लास ले लें आप, और इजी टू होल्ड हो, इसके हैंडल आप देख रहे हो कि बच्चे ने इजीली होल्ड किया हुआ है। सबसे पहले आप टेबल पे मैट बिछाएंगी, फिर ट्रे में आपने दो ग्लास रखने हैं, अब पहले खुद डेमो देना है, फिर आप वन बाय वन अपनी सारी क्लास से या अगर आपके घर में अर्ली ईयर्स के बच्चे हैं तो आपने उनसे ये एक्सरसाइज करवानी है। फिर आप ये कर सकते हैं कि डेली रूटीन में भी आप बच्चे को कहें कि पानी का ग्लास आप उनसे मांग सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आपने स्पेशली ये एक्सरसाइज करवानी है, वो भी करवाएं, लेकिन कोशिश करें कि रूटीन में भी आप उनसे ये काम सब करवाएं। सेकेंड पार्ट इज ट्रांसफरिंग, होल्डिंग अ स्पून ए स्पॉन्ज, और इसके लिए मटेरियल क्या यूज़ होता है, मैट, स्पून, ट्रे, टू बोल्स, प्लास्टिक के बोल्स हों, सम प्लास्टिक बीट्स और रॉ ग्रेन्स आप ले सकते हैं, यू कैन यूज़ राइस, शुगर, पल्सेस और चिक पीज। कभी एज अ टीचर मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि ये एक्सक्यूज़ मत करें कि स्कूल ने ये मटेरियल हमें प्रोवाइड नहीं किया। आप ख़ुद से देखिए, टीचर का क्रिएटिव होना इज़ मस्ट, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, राइस, शुगर, चने जो होते हैं कच्चे रॉ, ठीक है, आप वो ले सकते हैं। और बच्चों से आपने ये प्रॉपरली ट्रांसफरिंग करवानी है। आप देखें कि जब बच्चा ये एक्सरसाइज करेगा स्पून पकड़ के, तो उसका एक तो कंसंट्रेशन, बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और उसके फाइन मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्हांस होंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर एंड लंच बॉक्सेस, अगर हम बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग लंच बॉक्सेस की, सबसे पहले क्लासरूम में ये बहुत इशू आता है ड्यूरिंग लंच कि बच्चा इजीली अपना लंच बॉक्स ओपन नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि ड्यूरिंग लंच आपने ये एक प्रॉपर एक्सरसाइज करवाएं बच्चों से, खुद उनके लंच बॉक्सेस उनको प्रैक्टिस करवाएं कि वो खुद ओपन करें, क्लोज करें। इसके दो पर्पज़ हैं, एक तो आपने टेबल मैनर्स भी बच्चे को सिखाने हैं कि मैट पे आपने लंच बॉक्स रखना है, प्रॉपरली आपने उनको जो टेबल मैनर्स आपने सिखाने हैं, राइट। और इसके अलावा बच्चे को खुद अपना लंच बॉक्स ओपन करना भी है, क्लोज़ करना भी है। ओपनिंग क्लोजिंग डोर, सबसे पहले कोशिश करें कि हैंडल ईजी टू होल्ड हो, और आपने बच्चे को प्रॉपर वे में ये एक्सरसाइज करवानी है। सबसे पहले मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने खुद डेमो देना है, ठीक है। और इसके भी टू पर्पज़ हैं, एक तो ये कि बच्चे ने इंडिपेंडेंटली डोर ओपन क्लोज करना सीखा और उसकी जो ग्रिप है वो स्ट्रांग हुई, दूसरा बच्चे को आपने मैनर्स ज़रूर सिखाने हैं। एक एटिकेट्स होते हैं डोर क्लोज करने के, ओपन करने के, आपने उसको ये बताना कि फ्रंट पे खड़े नहीं होना, एज पे हाथ नहीं रखना, आपने डोर के बिल्कुल साइड पे खड़े होकर डोर को ओपन एंड क्लोज करना है। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम, फर्स्ट एरिया का जो डायरेक्ट एम है, प्रॉपर वे ऑफ होल्डिंग, चिल्ड्रन लर्न द बेसिक मूवमेंट ऑफ ऑल सोसाइटीज़। इनडायरेक्ट एम आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड बैलेंसिंग, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और एज आप 2 ईयर्स, 2 साल से 6 साल तक के बच्चे ये सब एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ एरर, इम प्रॉपर वे ऑफ होल्डिंग, साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज,
अब देखें कि कभी भी आपने बच्चे को स्नब नहीं करना, कभी डांटना नहीं है, इग्नोर नहीं करना कि इस बच्चे से ये वाली एक्सरसाइज ठीक नहीं हुई, आपने पानी गिरा दिया, आपने ग्रेन्स गिरा दिए, या आपने ज़ोर से ट्रे को रखा टेबल पे, आवाज़ आई है, कुछ साउंड प्रोड्यूस हुआ है, कभी भी बच्चे को आपने स्नब नहीं करा, उसे आपने हमेशा इनकरेज करना है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कलर, डिज़ाइन एंड साइज ऑफ द यूटेंसिल्स। कोशिश करें कि आपके जो भी यूटेंसिल्स हैं वो कलरफुल हों, नीट हो, क्लीन हो, बिल्कुल कोई स्टेन ना हो उस पर, और प्यारा सा उसका डिज़ाइन हो कि बच्चे अट्रैक्ट हों और इजी टू होल्ड हों। सबसे बड़ी बात कि बच्चा इजीली उसको पकड़ सके। अगर आप लार्ज साइज़ रखेंगे तो वो इतना हैवी होगा कि बच्चा इजीली वो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता।